नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज और चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा एलएसी के पीछे पूर्वी लद्दाख में पीएलए का भारी जमावड़ा। दिल्ली में अब पेट्रोल भी 80 के पार, लगातार 20वें दिन भी बढ़ी कीमत। लद्दाख सीमा पर तनाव जारी, दोनों देश कर रहे हैं ड्रोन से एलएसी की निगरानी। WHO ने दी चेतावनी, दुनिया में कोरोना से अभी और हालात खराब होंगे। यूपी बिहार में बिजली गिरने से 107 लोगों की मौतें, 72 घंटे के लिए अलर्ट। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों के साथ फिर से मुठभेड़ शुरू, एक आतंकी ढेर। लॉकडाउन में नहीं मिला शिक्षकों को वेतन, दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। घर पर अपनी हाइजीन का कैसे रखें ध्यान, वीडियो शेयर कर रविना टंडन ने बताया। बीजेपी अध्यक्ष का आरोप, यूपीए शासन में पीएम एनआरएफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को दान किए गए पैसे। जम्मू कश्मीर में नए नियमों से निवास प्रमाण पत्र पाने वाले पहले बाहरी बने बिहार निवासी आईएएस नवीन चौधरी। चीन के झिनझिनयांग प्रांत में भूकंप के झटके, 4.5 मापी गई तीव्रता। तेलंगाना में 2 दिन में आज तैयार हुई शहीद कर्नल संतोष बाबू की प्रतिमा, आज बस स्टैंड पर होगा अनावरण। चीन में कोरोना वायरस से 13 नए मरीज मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा 2023 का महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप। टिकटॉक स्टार सिया कक्कर की मौत से दुखी जय भानुशाली, कहा सुसाइड ही हल नहीं। करिश्मा की बर्थडे पर सोहा ने किया पोस्ट, जल्द मिलने की जताई इच्छा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद खेल मंत्रालय ने 54 स्पोर्ट्स फेडरेशन की मान्यता वापस ली। आईसीसी ने कहा कि चेयरमैन के नामांकन प्रक्रिया को अगले हफ्ते दिया जाएगा अंतिम रूप। गीता गोपीनाथ बोली कि लॉकडाउन से इकोनॉमी तबाह, सुझाए उपाय। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हैरान हूं कि गणेश की मूर्ति भी चीन से आया, क्यों। बंदरगाहों पर चीनी माल रोकने की खबरों से डरे भारतीय निर्यातक। यस बैंक केस में राणा कपूर, DHFL प्रमोटर्स के खिलाफ चार्जशीट। फेयर एंड लवली क्रीम में नहीं रहेगा फेयर, कंपनी बदलेगी नाम। इंडियन ऑयल को 4 साल में पहली बार हुआ घाटा। 5 जुलाई को होने जा रही CTET परीक्षा टली, मंत्री ने किया ट्वीट।